नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आप मेरे साथ कर रहे हैं 90 डेज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रेप। यह है लीड कोड 75 का सवाल नंबर 7, लीड कोड 238, प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। देखिए सवाल क्या है, एक एरे दे रखा है आपको, एक नया एरे रिटर्न करना है जिसमें हर स्पॉट पर आपको रिटर्न क्या करना है, उस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। फॉर इंस्टेंस लेट मी शो यू द क्वेश्चन। तो जैसे 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, तो पहले स्पॉट पता क्या रिटर्न किया गया है, 1 को छोड़ के बाकी सबका प्रोडक्ट, 2 3 4 का प्रोडक्ट, 2 की जगह पर बाकी सबका प्रोडक्ट, 1 3 4 का प्रोडक्ट। नहीं समझ में आया तो मैं आपको मेरे साथ समझाता हूँ, मेरे साथ समझिए सवाल को। ए बी सी डी के टर्म्स में समझते हैं। लेट अस से आपको ए बी सी डी ई का एरे दिया गया है, तो आपको रिटर्न क्या करना है, ए की जगह पता क्या रिटर्न करना है, बी सी डी ई का प्रोडक्ट, बी की जगह ए सी डी और ई का प्रोडक्ट, सी की जगह ए बी डी और ई का प्रोडक्ट, डी की जगह ए बी सी और ई का प्रोडक्ट, ई की जगह ए बी सी डी का प्रोडक्ट, ये आपको रिटर्न करना है। बोला गया है क्या, ये एक खास बात बोली गई है, आप डिवीजन इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, वरना आप क्या करते, सबको प्रोडक्ट कर ले, सबको प्रोडक्ट कर लेते, उस नंबर से डिवाइड करके दे देते, वो अलाउड नहीं है, डिवीजन अलाउड नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, ए बी सी डी ई, मैं एक बनाऊंगा एक प्रीफिक्स एरे, मतलब उस एलिमेंट से पहले वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। तो ए से पहले तो कोई है नहीं, तो प्रोडक्ट में 1, बी से पहले सिर्फ ए है, तो सी से पहले ए और बी हैं तो उनका प्रोडक्ट, डी से पहले ए बी सी है तो उनका प्रोडक्ट, ई से पहले ए बी सी डी हैं, ई से पहले तो उन सब का प्रोडक्ट, प्रीफिक्स एरे में उससे पहले वालों का प्रोडक्ट। मैं बनाऊंगा एक सफिक्स एरे, उसमें बाद वालों का प्रोडक्ट, तो ई के बाद कोई भी नहीं है, ई के बाद कोई भी नहीं है तो 1, डी के बाद सिर्फ ई है तो ई, सी के बाद डी और ई है तो डी डॉट ई, बी के बाद सी डी ई है तो सी डी ई का प्रोडक्ट, ए के बाद बाकी सारे हैं तो बी सी डी ई का प्रोडक्ट। तो देखो क्या है, अब ध्यान से देखो, सी के नीचे क्या पड़ा है, सी के नीचे प्रीफिक्स एरे में पड़ा है ए और बी का प्रोडक्ट, मतलब लेफ्ट वालों का प्रोडक्ट, और सफिक्स एरे में पड़ा है डी और ई का प्रोडक्ट, राइट वालों का प्रोडक्ट। तो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करके क्या एरे बना दूं, तो ए बी डी ई ना आएगा उसमें, लेफ्ट वालों का प्रोडक्ट, राइट वालों का प्रोडक्ट, आप तो छूट गए। ठीक है, क्या सवाल समझ में, अप्रोच समझ में आ गई होगी, आई थिंक ओ एन की अप्रोच है। ठीक है, अब देखो मैं इसे बनाऊंगा कैसे, बनाऊंगा कैसे, ध्यान से देखिएगा, बनाना मुश्किल नहीं है, आसान है ये सवाल। तो मेरे को प्रीफिक्स एरे फॉर इंस्टेंस बनाना है, प्रीफिक्स एरे बनाना है, उसको बनते हुए देखिएगा। तो क्योंकि ए से पहले कोई भी नहीं है, जीरो स्पॉट पे मैं हमेशा, जीरो स्पॉट पे मैं हमेशा 1 डालूंगा, क्योंकि जीरो से पहले कोई भी नहीं होता, तो ये इनके इंडेक्स हैं 0 1 2 3 4, तो जीरो स्पॉट पे मैं यहां पर 1 डालूंगा क्योंकि इससे पहले कोई भी नहीं है। अब वनथ स्पॉट पे मैं क्या डालूंगा, वनथ स्पॉट पे क्या डालूंगा, देखो वनथ स्पॉट पे एरे की वैल्यू उठाऊंगा और प्रीफिक्स एरे की वैल्यू उठाऊंगा और दोनों का प्रोडक्ट कर दूंगा ए। अब मैं 2th स्पॉट पे क्या डालूंगा, एरे की वैल्यू उठाऊंगा, एरे की वैल्यू इज बी, प्रीफिक्स एरे की वैल्यू इज ए, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूंगा। अब सोच के देखो ये क्यों चल रहा है, सोच के देखो क्यों चल रहा है, यहां पर मुझे क्या डालना है, तो प्रीफिक्स एरे की वैल्यू उठाओ और एरे की वैल्यू उठाओ, प्रोडक्ट कर लो। देखो प्रीफिक्स एरे में पड़ा है सी से पहले वालों का प्रोडक्ट और एरे में पड़ा है सी, तो अगर पहले वालों को सी से प्रोडक्ट कर दूं तो डी से पहले वालों का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बेसिकली ए बी को सी से मल्टीप्लाई कर दो, आपको ए बी सी मिल जाएंगे। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो ई पे समझिए। देखिए प्रीफिक्स एरे क्या रिप्रेजेंट करता है, ई का जवाब बना रहा हूं जब मैं, तो मैं कह रहा हूं इसको और इसको प्रोडक्ट कर लो, आपको ए बी सी डी मिल जाएगा, मतलब पहले वालों का प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, देखो ई के लिए ए बी सी उठाया हमने, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डी से पहले वालों को रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है डी से पहले वालों को, प्रीफिक्स एरे से उठाया हुआ ए बी सी डी से पहले वालों को रिप्रेजेंट करता है, और एरे से उठा लिया डी, अगर मैं इस स्थान को इससे प्रोडक्ट करूंगा तो ऑफकोर्स ई का प्रीफिक्स बन जाएगा, दैट इज ए बी सी डी। ऑलराइट, सफिक्स के लिए सेम उल्टा डायरेक्शन में करेंगे, उल्टा बनाएंगे, तो ई पर डालेंगे 1, और अब जैसे डी वाली वैल्यू बनानी है तो ई और इसको प्रोडक्ट कर लेंगे, ई बन गया, सी वाली वैल्यू बनानी है तो डी और ई को प्रोडक्ट कर लिया, बी वाली वैल्यू बनानी है तो सी और डी को प्रोडक्ट कर लिया, ए वाली वैल्यू बनानी है तो बी और सी डी को प्रोडक्ट कर लिया। ठीक है, फिर तो कुछ भी नहीं रहा, फाइनल आंसर होगा इसका इसका प्रोडक्ट, 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 उससे एरे बना के दे दो। साधारण सवाल, लाओ मैं इसको आपके साथ में कोड कर दूं। तो प्रीफिक्स एरे बनाया, सफिक्स एरे बनाया, लाओ प्रीफिक्स एरे को बनाना स्टार्ट करें। प्रीफिक्स ऑफ जीरो में रहेगा 1, एरे भरना स्टार्ट होगा i इक्वल टू 1 से i लेस देन नम्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस। देखिए ध्यान से प्रीफिक्स ऑफ i में क्या जाएगा, प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1 इंटू
नम्स ऑफ आई माइनस वन। गौरतलब बात यह है कि नम्स ऑफ आई माइनस वन में तो नम्स ऑफ आई माइनस वन पड़ा है, पर प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस वन में उससे पहले वाला वो प्रोडक्ट पड़ा है। तो जीरो से लेकर आई माइनस टू को अगर आप आई माइनस वन से प्रोडक्ट कर दोगे तो जीरो से लेकर आई माइनस वन का प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि हमें प्रीफिक्स ऑफ आई पे डालना है। पिछली बात दोबारा गौर से सुनिएगा, अब सफिक्स को बनाएंगे तो वो उल्टा बनेगा। तो इसकी लास्ट स्पॉट क्या होता है? लास्ट स्पॉट होता है लेंथ माइनस वन, वहां डलेगा वन और लूप चलेगा उल्टा। तो नम्स डॉट लेंथ, अरे रे 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 रे, गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरे गांव में है जो वो गली जहां रहती है मेरी दिलरुबा। तो मुझे लग रहा है कि कोड चल गया है और परफॉर्मेंस भी अच्छा है, बीट्स 100%। सो दिस वाज व्हाट क्वेश्चन, दिस वाज सेवंथ फ्रॉम लीड कोड 75, ऑलराइट, एंड 235 to 238 अदरवाइज। तो आपसे मेरी दरख्वास्त क्या रहेगी, डिस्क्रिप्शन में है पहला लिंक में एक जर्नल, उस जर्नल पे जाके अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करें मेरे साथ। वहाँ पर मैं बहुत सारी मेडिटेशन वगैरह करता हूँ जिसकी वजह से परफॉर्मेंस अच्छी आ सकती है या नहीं भी आ सकती है। लेट्स फाइट दोज डेमन्स टुगेदर, लेट्स ट्राई टू विन दिस वॉर टुगेदर। ऑलराइटी देन, सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।